हेलो फ्रेंड, खुशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहूंगी, पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे बनाएं टेस्टी मजेदार लाजवाब भरवां करेले। तो ये मैंने 1 केजी करेले ले लिए हैं। अब इसको सबसे पहले मैंने तो छीलना स्टार्ट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पहले ये भी बता देती हूँ कि इसको छीला कैसे जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि पहले करेलों को तैयार करना। हाँ फ्रेंड्स, तो देखो ये मैंने करेला लिया है। इसको छीलने के लिए आपको इसकी ना हल्के से सिर्फ ऊपर की लेयर उतारनी होगी, थोड़ी थोड़ी। बहुत ज़्यादा अगर आप करोगे तो स्किन जो है करेले की वो पतली रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसका ऊपर वाला हिस्सा बस उतार के जाना है। करेला क्योंकि वैसे भी फ्राई, जब इसमें मसाला भर के इसको फ्राई करते हैं तो वैसे ही इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। और अगर स्किन थोड़ी मोटी रहेगी तो करेले जलेंगे नहीं और मसाला अंदर से अच्छे से भुनेगा जब हम इसको बाद में फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्के से इसके ऊपर वाला इसको निकालते हैं। और अब मैं इसमें आपको, ये मैंने 3-4 छिल लिए हैं, अब मैं इसमें आपको कट लगाना बताती हूँ। आपको इस तरह से यहाँ से कट डालना शुरू करना है और सावधानी से, बड़े ध्यान से, चाकू ना लगे कहीं पे, धीरे धीरे आपको यहाँ तक बस कट डालना है। कट डालने के बाद इसके अंदर का जो ये मसाला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हमें अच्छे से थम्स की सहायता से ऐसे निकाल देना है। और ये सारा मसाला इकट्ठा करके हमें रखना है, क्योंकि ये बाद में भरवे के मसाले में काम आएगा। और इसको मैं अच्छे से धो के तैयार, पहले तो इसको धो के सुखा लूँगी, छान लूँगी अच्छे से, ये सारा जो मसाला अंदर से निकलेगा। इसी प्रकार से आपको सभी करेले छीलने हैं और उनको रेडी करना है। हम इसको धो के आधे घंटे के लिए सूखने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने अब करेलों को सबको अच्छे से छील लिया है और इसको मैंने अंदर से काट के ऐसे सबका मसाला अंदर से निकाल लिया है अच्छे से। तो ये रहा जो करेलों के अंदर से मसाला निकला था और ये है जो मैंने करेलों को छीला था। अब ये मसाले, अगर आपके करेले थोड़े कच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनमें जो इस तरह से जो बीज होंगे वो कम होंगे। पर अगर आपके करेले बड़े हैं तो उनमें जो बीज होंगे इस तरह से थोड़े ज़्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप सारा नहीं लेना चाहते, आप इसमें से कुछ थोड़ा सा ले सकते हो, बाकी आप चाहे तो उसको फेंक सकते हो। जैसे अब मेरे पास कूटने वाला तो नहीं है, तो मैंने गिलास ही ले लिया है और गिलास में ये मैंने ये डाल लिया इस तरह से। तो मुझे अगर थोड़ा सा फेंकना चाहूँ तो मैं थोड़ा फेंक सकती हूँ। और मैंने आधा ले लिया है, आधा मैंने इसमें गिलास में डाल लिया है ताकि मैं इसको अच्छे से कूट दूँ। और अब इसमें है मैंने ये 4 हरी मिर्चें और 5-6 फलियां लहसुन की, अदरक, सब कुछ छील के मैंने ये एक मसाला तैयार किया है। अब इसको मुझे अच्छे से कूटना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने अब ये जो छिलके थे करेले के, इसको मैंने धो के अच्छे से छान लिया है और मैंने आधा घंटे के लिए इसको रख दिया था कि ताकि इसका पानी बिल्कुल भी निकल जाए। ये छन्नी है जिसमें मैंने इसको धो के छान लिया है। अब ये जो मसाला था, अब हम जा रहे हैं इसको कूटने। ये देखिए, इसको मैंने बेलन, क्योंकि अब अगर रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, खल नहीं है, तो आप बेलन और गिलास का यूज करके मसालों को अच्छे से ऐसे करके कूट सकते हैं और थोड़ी देर में ही मसाले बड़े अच्छे से दरदरे कूटे जाएंगे। उसके बाद ये करेले भी मैंने धो के अच्छे से सुखा रखे हैं। और पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं, इनको अच्छे से इसको कूट लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे मसालों को। तो अब मैंने ये गैस ऑन कर लिया है, गैस को भी मैंने फुल फ्लेम पे रखा है और मैंने कढ़ाई भी गर्म कर ली है। अब इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में ही हर चीज का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, और जीरा जैसे ही भुन गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े प्याज मैंने ले लिए थे, उनको ऐसे ऐसे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब इसको प्याज डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज जो है वो कैसे गल जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े प्याज है तो मसाले कैसे बनेंगे। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। प्याज अगर सब्जी में आपको एकदम ग्रेवी करना है सब्जी, और प्याज को एकदम विदाउट ग्राइंड किए आपको एकदम इसको ऐसा बनाना है जैसे ग्राइंड किया हो, तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप्स है, आप प्याज में नमक डाल दीजिए। अब हम प्याज में डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार जितना आप नमक खाते हैं कम या ज़्यादा आप ऐड कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से इतना इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक डाल के इसको अच्छे से चला दीजिए और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए। और उसके बाद आपको इस प्याज को देना है ढक,
और पांच हर 2-3 मिनट पे प्याज को चलाते रहिए। कम से कम 5-7 मिनट में प्याज बिल्कुल आपके गल जाएंगे। अब हम इसको देते हैं ढक। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं अपने प्याज खोल के। ये देखिए ऑलमोस्ट प्याज जो है वो घुल चुके हैं। अब इसको कच्ची की सहायता से आपको थोड़ा ऐसे ऐसे आप इसको दबा दीजिए, धीरे धीरे दबाइएगा ताकि तेल के छींटे ना आए। ऐसे ऐसे नहीं दबाना, इसको ऐसे ही तेल के अंदर ही आपको प्रेस करना है। अब आपको क्या करना है, जो हमने लहसुन मिर्च अदरक और करेलों के अंदर से जो मैंने मसाला निकाला था, उसको जो मैंने गिलास में कूट लिया था, ये वो मसाले हैं। अब मैं इसको सारे को प्याज के साथ ही डाल दूंगी और फिर इसको 5 मिनट पकाएंगे हम। करेला है तो मसालों को पकने में अच्छे से थोड़ा टाइम तो लगेगा, तभी स्वाद आएगा। ये डाल दिया। अब हम प्याज के साथ इसको 3-4 मिनट हम इन मसालों को भी भूनेंगे। फिर मैं हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने दो बड़े टमाटर मैंने काट के पहले से तैयार रखे हैं। 3-4 मिनट बाद में इसमें टमाटर ऐड करूँ। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं अपने मसाले। ये देखिए मसाले कितनी अच्छी तरीके से घुल चुके हैं, बिल्कुल भी प्याज खड़े नहीं दिख रहे हैं, और जो मैंने कूट के मसाला डाला था वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर भी जल्दी ही 2-3 मिनट में घुल जाएंगे। ये मैंने ऐड किया इसमें टमाटर, ज़्यादा टमाटर नहीं डालते हैं इसमें, इसलिए मैंने 2 छोटे टमाटर, मीडियम साइज टमाटर ही काटे थे। इसमें अब साथ के साथ ऐड कर दीजिए थोड़ी सी हींग, थोड़ी, वैसे तो हम इसमें हरी मिर्च पहले ही डाल चुके हैं इसलिए हम थोड़ी से लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। एक छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब मसालों को आप अच्छे से चला लीजिए, और फ्लेम आपको ध्यान रहे लो ही रखना है। लो फ्लेम में ही मसाले, चाहे आप किसी भी सब्जी का तड़का लगा रहे हैं, लो फ्लेम में ही आपके मसाले जो हैं वो अच्छे से भुनते हैं। हाई फ्लेम में मसाले जलने शुरू हो जाते हैं और ठीक से भुनते नहीं हैं, और उनका स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है। ये आप अपनी सब्जियों के लिए, बाकी सब्जियों के लिए भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से चला दिए हैं टमाटर को, टमाटर तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने करेले छिलके रखे, छिलके और धोके रखे हुए थे उनके छिलके, इसको आप अच्छी तरह से ऐड कर दीजिए। अब ये जो मसाला है कम से कम 10 मिनट आपको फ्राई करना है अच्छे से, जब तक कि करेले अच्छे से मसालों में मिल नहीं जाते और इनका कड़वापन निकल नहीं जाता। पहले खूब अच्छे से इसको चला लीजिए। अब इसको हम ढक देंगे और हर 2-3 मिनट पे आप इसको कच्ची लगाते रहिए। अब 1-2 मिनट बाद हम इसको फिर से चला लेंगे। देखिए ये मसाले कितने अच्छे से भून रहे हैं। इसको आपको ऐसे बार बार दबाते भी रहना है, प्रेस करते रहना है, ताकि अच्छे से मसाले आपस में घुल जाएं, टमाटर वगैरह। मसालों का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब थोड़ी देर में जो टमाटर हैं उनका जो पानी एक्स्ट्रा है वो सूख जाएगा और मसाले हमारे थोड़े से थिक हो जाएगा हमारा मसाला और भी, ताकि भरने में वो आसानी रहेगी। फिर अब मसालों को भूनते हुए मुझे कम से कम 10-12 मिनट हो चुके हैं, और लास्ट के 3-4 मिनट में आपको फ्लेम को हाई कर देना है और इसको ऐसे करके बार बार चलाते रहना है इस प्रकार से, ताकि कहीं से भी मसाले चिपके ना। लास्ट की 3-4 मिनट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और हाथों से आपको इसको अच्छे से ऐसे चलाते रहना है, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और जले भी ना। अब 12-15 मिनट के बाद आपके मसाले अच्छे से भून जाएंगे, और अब आप गैस को बंद कर देंगे, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको करेलों में भरना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम करेलों में मसाला जो हमने तैयार कर लिया है इसको हम भरने जाएंगे। ये हमने स्पून में लेने हैं इस प्रकार से, और इसको अच्छे से इसमें डालकर भरना है।
जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ऊपर तक भरे, अदरवाइज फ्राई करते टाइम मसाले जो हैं ये बाहर आने का डर होता है। तो अब ये हम इस प्रकार से भरेंगे। तो क्योंकि मैंने करेलों को यहाँ तक पूरा यहाँ तक नहीं काटा था और यहाँ तक नहीं काटा था, तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे और आपको इन पे धागे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम बाकी करेलों को भी ऐसे खोला और इस प्रकार से आप इसमें मसाले भर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा फर्मली आपको इसको पकड़ना पड़ेगा वरना आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे और ये अपने आप बंद हो गए। एक्स्ट्रा जो बाहर आ रहे हैं उन्हें निकाल दीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से भर के हम इनको तैयार कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने करेलों को भर के तैयार कर लिया है इस प्रकार से, और मैंने गैस के ऊपर पैन भी चढ़ा लिया है, उसमें सरों का तेल मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिए, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना और बहुत ज्यादा लो भी नहीं करना। अब वन बाय वन आप करेलों को इस प्रकार से रखिए, ध्यान से रखिएगा, छींटे नहीं होने चाहिए तेल के। मैंने थोड़े बड़े करेले ले लिए हैं, आप प्रेफर कीजिए छोटे करेले लेने। और इस प्रकार से जो इसमें तेल है घुमा दीजिए ताकि चारों तरफ लग जाए। अब आपको क्या करना है, हर दो से एक से दो मिनट पे इनको इस प्रकार से हिलाते रहना है ताकि अच्छी प्रकार से फ्राई हो जाए। मसाले आपके बिल्कुल नहीं गिरेंगे, मैंने इनमें कोई धागा भी नहीं बांधा है क्योंकि काटने और भरने का तरीका ऐसा था कि मसाले जो है वो बिल्कुल बाहर अपने आप ही नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं रखना है वरना जो करेले हैं वो ऑयली हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने लिमिटेड थोड़ा ही तेल रखा है। ये नीचे नीचे से फ्राई होते रहेंगे, डीप फ्राई नहीं करना आपको। चलिए अब इसको एक से दो मिनट में आप चलाते रहिएगा हल्के हाथों से, ये नहीं कि बहुत ज़ोर से हिलाना है, हल्का हल्का इसको ऐसे, और फिर पलटते रहना इसको बार बार ना, हर एक दो मिनट बाद इसको इस प्रकार से पलट दीजिए। पलटने में थोड़ी दिक्कत तो होगी आपको, आप चाहें तो स्पून का सहारा या नाइफ का सहारा ले सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, फिर आप ये इजली इसको पलट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अब इनको एक एक बार पलट दिया है और बार बार आप पैन को ऐसे हिलाते रहिए ताकि तेल जो है वो चारों तरफ, मतलब हर दो मिनट में आप इसको ऐसे हिलाइए, तेल चारों तरफ लगता रहे। और वही नाइफ और करछी की सहायता से मैं इसको बार बार पलटती रही हूँ। तो देखो ऊपर से कितना अच्छा कलर आ रहा है धीरे धीरे, और इस तरह से ही जब आपका पूरा करेला थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, ये वाला कलर आ जाएगा, तब आपके करेले जो है भुन जाएंगे। कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से फ्राई करने में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इनको फ्राई करके एक एक करके बड़ी सावधानी से प्लेट में निकाल लिया था, और ये आपके भरमा करेले इस तरह से बनके तैयार हैं। अगर आपको स्किन ये थोड़ी ब्राउन लग रही है, बट जब आप खाओगे ये खाने में बहुत ही स्वाद लगेंगे। तेल में अगर आपका हल्का फुल्का मसाला गिर के जल भी गया है तो कोई बात नहीं, आपके करेले खराब नहीं होंगे, वो बहुत ही स्वाद बनेंगे। और एक टिप्स मैं आपको और बताती हूँ, जो मसाला हमने करेले में भरते टाइम बचाया था, उस मसाले में से अगर आपका बच जाए तो उसको आप रोटी के साथ खा के देखिएगा, लाजवाब बनेंगे और स्वादिष्ट, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।